लार दिन से उतरना पड़ेगा, बाद में जीप करना पड़ेगा, ऐसा ही वो भी लंबा पड़ेगा। अब खरियानी आएगी, वो लंबा पड़ेगा खरियानी काहे ना, थोड़ा बताइए रे। हम लोग परिवार को देख के इतनी बड़ी जीप लेनी पड़ेगी। हम लोग जा रहे हैं खरियानी, जो कि पड़ता है आजमगढ़ में, और वहाँ पे रहती है हमारी मौसी जी, तो उनसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर पे, और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के लालगंज में हैं। आजमगढ़ से थोड़ी दूरी पर लालगंज आता है, मार्केट है। अब यहाँ से हम लोग खरियानी जाएंगे, और खरियानी से थोड़ी दूरी पर हमारी मौसी जी का घर है, तो वहाँ लालगंज खरियानी जाएंगे, खरियानी से मौसी के घर पे जाएंगे। पहले हम लोग जाएंगे छोटी वाली मौसी के घर पे, फिर बड़ी वाली मौसी के घर पे, फिर मामा के घर पे, ऐसे हम करके घूमने वाले हैं। अभी हम लोग एक जीप पकड़ेंगे, यहाँ पे जीप चलती है, ऑटो नहीं चलती है। देखो इसी जीप से हम आए, और आगे भी इसी जीप से पकड़ के हम लोग जाएंगे। खरियानी पहुंच गए हैं, अभी छोटी वाली मौसी का लड़का वो भी आया है लेने के लिए, आगे खड़ा है। अभी हम लोग चौक पे खड़े हैं, अभी हम लोग जाएंगे तो वो शायद बाइक लेके आया है, तो उसकी बाइक पे हम लोग बैठ के जाएंगे। और मेरे छोटी वाली बहन जो है ना, ये बैग भूल गई थी। क्या मैं बैग भूल गई थी? मौसी का लड़का सूरज भी आ गया है। बहुत अच्छा लगा। तो कैसे जाएगी बाबू, खुश रहो। दो बाइक है ना। देखो सूरज भी आ गया है, पापा अपना सामान ऑटो रिक्शे पे रख के भूल गए थे, आ जाएंगे, दो बाइक आएंगे। अच्छा तो हम लोग जा रहे हैं अब घर पे, मौसी का लड़का आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये बहुत छोटा था ना, इसको मैं गोद में खिलाती थी तब हम लोग मिले थे, आज देखो कितना बड़ा हो गया। ये वाला जो पहनी है डेली यूज के लिए तो वही अच्छा लग रहा है। हाँ बहन का चप्पल गुम हो गया है, तो वो इस दुकान से चप्पल ले रही है। सामने पापा भी खड़े हैं, बहन भी खड़ी है, और मौसी का लड़का भी आया हुआ है, जो उस साइड अपने से हमारा वेट कर रहा है। अभी जाएंगे मौसी के घर पे, लगभग आधा एक घंटा हम लोग रहेंगे, फिर निकल जाएंगे हमारी जो बड़ी वाली मौसी, मतलब जिस मौसी घर पे जाए थे, तो छोटी वाली मम्मी की तीन बहन है, तो मम्मी सबसे बड़ी है, और जिस मौसी घर जाए थे तो छोटी वाली है, उसके पास जाएंगे बीच वाली मौसी घर पे, उसके बाद जाएंगे मामा के घर पे। तो एक दिन में हमको सारी रिश्तेदारी हमको अब घूमनी है, और हम लोग अभी खड़े हैं खरियानी मार्केट में। ये खरियानी है, मौसी जहाँ पे रहती छोटी वाली, वो यहाँ का बाजार है। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर अंदर छोटी वाली मौसी रहती है। संगीता का चप्पल वाराणसी में गुम हो गया था, तो वहाँ से अभी वो यहाँ चप्पल ले रही है। 350 रुपये का चप्पल पड़ा है, जो हमारे यहाँ पे हम लोग 100 रुपये में खरीदते हैं, 60 रुपये में, यहाँ पे 350 का। तो अभी समय समय की बात है, लेना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। तो मौसी का लड़का भी इंतज़ार कर रहा है। सूरज में बचपन में देखी थी, अभी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, कितना बड़ा हो गया है। पापा देखो, पापा मेरे बार्गेनिंग कर रहे हैं, और मिठाई पापा ले लिए हैं मौसी के लिए। अभी जाएंगे तो मौसी को भी दिखाएंगे, आप लोग को मौसी को भी दिखाएंगे, और मौसी के परिवार वालों से भी मिलेंगे। मौसा जो हैं ये दिल्ली में कमाते हैं, मौसा जो दिल्ली गए हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन और भी जो रिलेटिव हैं बाकी लोगों से, उनसे मेरा हमारा मिलना हो जाएगा, तो आप लोग को भी मैं दिखाऊँगी। और ये वीडियो मेरी मम्मी स्पेशल देखेगी, क्योंकि मम्मी साथ में है नहीं, और हमारा जो अपडेट है वो मम्मी वीडियो के थ्रू ही लेती है। देख सकते हैं छोटी वाली बहन मिठाई ले रही है, पापा दुकान वाले से बात कर रहे हैं। मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा नाटक नहीं।
और यहाँ से डायरेक्ट thank you.
Thank you.
मन बाय इके बाय एक राज के लेके हमार राज के दोस्त खेलत हम अरे त कदम आइता ना आइता ना कौन अपन वाला लोग बाबू तो नाम का बाय हाँ का नाम आयुष इनका नाम आयुष है और ये नीलम मौसी के एकदम छोटे वाले बेटे
नहीं सही बात है। हम जब मौसा के देखले रहनी ना तो मौसा बहुत हम देखले रहनी मौसा का हम जब देखले रहे तो मौसा बहुत स्मार्ट रहना वो टाइम पे बहुत मतलब बॉडी वॉडी और मौसा का एगो अच्छी हमके आदत लगे गमछा टांग लेगा वो गमछवा हमके ना खुला ला कि मौसा गमछा टांग हम देख लेनी मोटा खरा ना अब निकाल दे लोगी पहले उनका गमछा अगवा लटका के रखा था हमके वो कुछ हल्का हल्का याद आवे ला चेहरा तो बुरा गल बाटी लेकिन मौसा ना शरीर भी तंदुरुस्त मोटा तगड़ा अच्छा लगा नहीं सही में हाइटेड रहा बॉडी वॉडी अच्छा रहा मौसा का छोटका मौसा भी है सही रहा ना शरीर मतलब सबका हाइट बॉडी रहा तो का बना था बहनी